ठीक है ना, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में आगे जाते हैं, बाद में ये देखते हैं, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है मेरे पास इसके लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये फिगर में इन्होंने बोला है कि ए एंड सी पे हमने टेंजेंट निकाला, यहाँ से ये वाला टेंजेंट निकाला, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना 50 दिया है, दिस इज द 58, तो हमें ये वाला पूछा है, पूछा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि इन ट्राइंगल एपीसी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एपीसी, आवाज क्लियर आ रहा है सबको? यस सर, ओके, यस सर, एपीसी, ये एपी एंड पीसी इक्वल रहेंगे, क्यों? एपी एंड पीसी इक्वल है बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी एंड सी ए दोनों इक्वल रहेंगे, बिकॉज ये जो दोनों एंगल है, ये जो एंगल है इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है, इसके लिए एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड, तो मैं इसको एज्यूम किया कि लेट इज इक्वल टू एक्स, तो मेरा लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, इसके मैंने एक्स पकड़ा, तो हमें पता है कि जब अगर ये एक्स एंगल हम लेते हैं तो ये टेंजेंट है और ये सेकेंट है, तो टेंजेंट सेकेंट थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट सेकेंट थ्योरम बोलता है कि ये जो एंगल रहता है इधर वाला, ये हमेशा ये जो आर्क है ना उसका आधा रहता है, तो मैंने वही लिखा। तो सबसे पहले हमने एक्स को निकाल दिया, क्या निकाल लिया, इन ट्राइंगल एपीसी सी ए पी प्लस ए सी पी प्लस पी इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180, टू एक्स इज इक्वल टू 150, 180 माइनस 50, टू एक्स इज इक्वल टू 130, एक्स इज इक्वल टू 65, तो 65 मेरा एंगल है, ये वाला 65 है। फिर मैंने क्या लिखा, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इधर वाला, ये हमेशा इसका डबल रहता है और एंगल हमेशा उसका आधा रहता है, आर्क हमेशा उसका डबल रहता है, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क इज 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए सी, ये कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है, तो 2 × 65 दैट इज कॉल्ड 130, फिर से मतलब ये जो आर्क है इसका मेजर कितना, ये वाला आर्क इसका मेजर आया 130, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला जो एंगल है ना, ये इसमें इंस्क्राइब है, दिखाई दे रहा है आपको, इंस्क्राइब है कौन से आर्क में, यही आर्क में, इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल इसका आधा रहेगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, देयरफॉर हाफ इंटू 130 इज 65, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी 65 डिग्री। क्लियर है सबको? यस सर, यस यस सर, सर, ओके ठीक है, तो अभी हम जाते हैं ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला देखते क्या है। ओके, ये वाला समझते हैं। नाउ टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग निकालते हैं, ये टॉल बिल्डिंग है, एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, दे लुक एट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम ऐसा समझते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ये उसका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, दो आदमी खड़े हैं और उसके रूफ के तरफ देख रहे हैं, मतलब ये आदमी ऊपर देख रहा है यहाँ पे और ये आदमी ऊपर देख रहा है यहाँ पे, दोनों ऊपर देख रहे हैं, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो अभी इसमें का एंगल बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा है, वेदर दिस इज बिगर और दिस इज बिगर, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी, ये सी डी, टेल मी वेदर एंगल सी बड़ा है कि डी बड़ा है, एंगल बी सी बड़ा बड़ा है डी, सर। इसका मतलब ये 60 डिग्री रहेगा, ये 30 डिग्री रहेगा, है ना, ऐसा देख के हम बता सकते हैं। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 72, ये 72 मीटर है, 72 मीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, मतलब इन दोनों में का डिस्टेंस पूछा है, तो मैं इसको एक्स पकड़ता हूँ, इसको वाई पकड़ता हूँ, ठीक है, तो हमें वाई पूछा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट लेट लेंथ ए बी जो है इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग,
हाई टॉप बिल्डिंग है, इज इक्वल टू कितना है, 72 मीटर है, 72 मीटर हाई टॉप बिल्डिंग है। लेट टू पर्सन्स, नाम नहीं दिया हमें यहाँ पे, बोले लेट टू पर्सन्स स्टैंडिंग स्टैंडिंग एट सी एंड डी, लेट डिस्टेंस बी सी जो है एक्स है, लेट डिस्टेंस सी डी जो है वाई है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मुझे पता है। तो सब कुछ मुझे पता, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वाई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे देखो एंगल पता है, अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड है, तो तीनों में रिलेशन क्या आएगा, टेन थीटा, टेन ऑफ हाँ सिक्सटी क्या सर, आएगा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। टेन 60 का वैल्यू मुझे पता है रूट थ्री रहता है, ए बी का वैल्यू मेरे पास 72 मीटर है, बी सी मुझे निकालना है, बी सी मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी आएगा मेरे लिए, बी सी इज इक्वल टू 72 अपॉन रूट 3। और मैंने आपको बोला कि जब रूट थ्री नीचे आता है तो हमेशा उसको रैशनलाइज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द सेम फैक्टर, बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 72 रूट 3 अपॉन 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, 24 रूट 3। यस बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू 24 रूट 3 मीटर। तो मुझे बी सी मिल गया। अभी मैं फिर से लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, टेन थर्टी क्या हो जाएगा, अपोजिट है ए बी एंड एडजेसेंट है बी डी, लेकिन बी डी कैसा है, ए बी अपॉन बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, तो टेन 30 का वैल्यू रहता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, मेरे मुझे ए बी मुझे दिया है 72 मीटर्स, बी सी मुझे दिया है एक्स, लेकिन बी सी ऑलरेडी मैंने निकाला है 24√3 प्लस सी डी मुझे निकालना है वाई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 72√3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये √3 इधर जाएगा, y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 72√3 -24√3, सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई कैन टेक √3 कॉमन, 72 में से 24 चला गया, कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा, 48 48। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल, y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 48√3 मीटर, तो हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर वाई मतलब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 48√3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। और यहाँ पे उन्होंने √3 का वैल्यू 1.73 दिया है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 48 × 1.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी फाइनल सर, आंसर फोर्टी आपका, एट रूट थ्री से हमें 24 रूट 3 को माइनस नहीं करना पड़ेगा। इसमें से, इसमें से हाँ, 48 रूट 3 से हमें 24 रूट 3 को माइनस नहीं, करना मेरा पड़ेगा। मेरा डायरेक्ट देखो ना, मेरा जो मैंने ये लिया, मुझे डायरेक्ट वाई का आंसर, मैंने वाई कितना लिया, वाई यहीं से लेके यहां तक है नहीं, वाई मेरा, तो वाई का आंसर मेरा ऑलरेडी, मैंने ये डिसन देख, बीडी मतलब क्या लिया मैंने, बीडी मतलब बी सी प्लस सी डी लिया, तो बी सी मेरे पास ऑलरेडी 24√3 ऑलरेडी है, मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन बोला है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन मेरा डायग्राम में वाई लिया मैंने, तो मेरा वाई का आंसर जो है वही आंसर रहेगा, ओके सर, नाउ गॉट इट। या ओके। तो यस सर, हमारा यहाँ पे ये जो एग्जाम में जो आए हुए प्रॉब्लम ये भी हमने कवर कर दिए।
तो देखो ये ऊपर वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम भी हमने कवर कर लिया। ये आपको समझ में आया सभी 65 डिग्री? अभी वीडियो को एक बार चेक कीजिए आप, तो आपको और समझ में आएगा। क्लियर है? ओके सर, यस सर। तो आज के लिए हम रुक जाते हैं यहाँ पे, और देखो कल संडे है तो संडे में देख लीजिए दोनों वीडियो एक बार। मैं इसको ये कर देगा, इसमें पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, ओके बाय सर, बाय। थैंक यू सर।